वहीं देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और जहां हॉटस्पॉट इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है उसके बाद भी प्रशासन की ओर से किसी को भी, ध्यान देने वाली बात है, किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी परमिशन दे रहे हैं। दरअसल भरतपुर के बयाना के उपखंड अधिकारी की एक ऐसी ही लापरवाही सामने आई है जहां लॉकडाउन में सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई थी। आपको बता दें कि बयाना एसडीएम ने अपने परिवार को घर पहुंचाने के लिए आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद सुरौठ थाना पुलिस ने एसडीएम के परिवार को करौली सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन जब इस मामले को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता ने एसडीएम से सवाल किया तो एसडीएम ने पत्रकार के साथ बदतमीजी की, और वहीं जब इस मामले को लेकर एसडीएम संतोष मीणा से फोन पर संपर्क कर घटना के विषय में जानकारी चाही तो उन्होंने ऐसे किसी भी घटनाक्रम से इनकार कर दिया। आइए आपको भी सुनाते हैं वो ऑडियो जिसमें एसडीएम साहब न्यूज इंडिया के संवाददाता के साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं। एसडीएम साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आपके तहसील में कर्फ्यू लगा हुआ है? हाँ लग रहा है ना। किस लिए लगा हुआ है सर? किस लिए लगा हुआ है सर? किस लिए लगा हुआ है? जी सर, यहाँ पे वो कुछ मरीज मिले हैं उनको। ओके, सुरौठ से बात कर रहा था न्यूज इंडिया रिपोर्टर श्याम। अगर आपके इस तहसील में कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं जो काफी बड़ी तादाद में हैं, आपकी तरफ से फिर भी लोगों को परमिशन दे करके दूसरे जिलों में भेजा जा रहा है सर, आपकी खुद की तहसील से आपकी परमिशन मिली है, तो ऐसी स्थिति में कम से कम आप तो मत भेजिए सर। अच्छा अच्छा, आप कौन बोल रहे हो? मैं न्यूज इंडिया से बात कर रहा हूँ। कम से कम ऐसी स्थिति में आप तो थोड़ी सी समझदारी है। मैं तो इसमें बहुत जूझा हुआ हूँ जी, जो मेरी फैमिली है ये आगे समझे आपको। जी जी, गाँव भेज रहा हूँ मेरे। कौन सा गाँव है सर? सेवा। अच्छा, ज्यादा वो नियम लगाने की जरूरत नहीं है, आगे समझे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आ गई समझ में, आ गई। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं तो एसडीएम बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए सर। कौन बोल रहे हो आप? मैं श्याम बात कर रहा हूँ। हाँ जी, सुरौठ से। अच्छा, वो आपने कितनी की बदतमीजी मेरे बच्चों के साथ? बच्चों के साथ बदतमीजी है? बच्चों के साथ बदतमीजी कैसे की सर? हाँ, गाड़ी को मतलब रोका रहा हूँ उनसे। हाँ, गाड़ी, गाड़ी गाड़ी तो मैं मुकदमा दर्ज करा रहा हूँ अभी यही थाने में। हाँ, मुकदमा दर्ज करा रहा हूँ, बच्चे वापस आ गए यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप मुकदमा दर्ज कराइए। कुछ नहीं होता, आपके बच्चे आपके घर पहुँच चुके हैं ऐसी विकराल स्थिति में जब बयाना में कर्फ्यू लगा हुआ है। आगे नहीं समझ में? मेरे को समझ में आ गई सर, आप अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं। तो 12 बजे तक आपके पास, मैं ये कह रहा हूँ आपकी उस टाइम की ऑडियो भी मेरे पास है। कोई इश्यू नहीं है, वो आप देख लेना। और मैंने मेरे सूरत में कम से कम मेरे 10 रिश्तेदार हैं, मैं कल पता करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है ना सर, रिश्तेदार है। जाति से मीणा हूँ तेरे को पता है? तो क्या हो गया सर, जाति से मीणा हूँ तो मैंने कोई गंदा काम कर दिया क्या? जब सब लोगों को रोका जा रहा है तो कानून एक बराबर होना चाहिए ना सबके लिए। मैं देखता हूँ कल, आप नंबर तो है। अरे तो नंबर सर, श्याम नाम है मेरा, श्याम सुंदर नाम है। कल देखता हूँ तेरे को। ठीक है सर। तो आपने सुना कि किस प्रकार से एसडीएम साहब अपनी जिम्मेदारी तो समझ नहीं रहे हैं, उल्टा अगर उनको इस बारे में पूछा जा रहा है तो वो धमकी भरे अंदाज में एक पत्रकार को धमका रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कोरोना रूपी महामारी है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, यहां तक कि तमाम नेता, भले ही वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सब कह चुके हैं कि ये जो महामारी है ये किसी भी धर्म, जात पात, समाज को देखकर नहीं आ रही, ये किसी को भी लग सकती है। उसके बाद भी एसडीएम साहब कह रहे हैं कि तू जानता नहीं है मेरे को, मैं जाति से मीणा हूं। मतलब ऐसे कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में जब किसी को भी इधर उधर मूव करने के लिए मना किया गया है और आपकी खुद की सलामती के लिए ऐसा किया गया है, उसके बाद भी एसडीएम संतोष मीणा जी ने अपने परिवार को एक गांव से दूसरे गांव में मूव करवाया, और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो वो बदतमीजी पे उतर आते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हमने भी उनको फोन लगाने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने
फोन ही नहीं उठाया और फोन को वो बार बार काट रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम उनका भी पक्ष सुने, लेकिन अगर वो सही है तो वो क्यों नहीं फोन उठा रहे, ये समझ के बाहर की बात है। खैर, इस पे ज्यादा जानकारी के लिए वही पत्रकार जिन्होंने एसडीएम से सवाल किया था वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, श्याम सुंदर। श्याम, जब आपने एसडीएम साहब से ये सवाल किया, और जाहिर सी बात है ये सवाल करना लाजमी है, और ये सवाल आपने ना अपने लिए करा ना एसडीएम साहब के लिए करा, बल्कि इस कोरोना रूपी महामारी में जो कि संक्रमित फैलाने वाली महामारी है, उस नाते अगर कोई इधर उधर मूव कर रहा है तो सवाल करना लाजमी है। क्या कुछ कहा एसडीएम साहब ने आपको? जैसे कि उमंग, मैं आपको बता दूं कि जो लॉकडाउन की स्थिति और बयाना में जो कर्फ्यू के हालात इस वक्त बने हुए हैं, मेरे हिसाब से लॉकडाउन का मतलब होता है जो जहां है वहीं रुक जाए जी। तो ऐसी स्थिति में जब राजस्थान सरकार के ये आदेश हैं कि राजकोट सिटीजन ऐप की जो परमिशन है वही मान्य होगी जी, एसडीएम अपने स्तर पर किसी को परमिशन नहीं दे सकते जी कर्फ्यू वाले इलाके से जी। तो ऐसे में अपने परिवार को गांव भेजने के लिए एसडीएम साहब ने परमिशन जारी की। जब उसको करौली जिले की सीमा पर कलेक्टर साहब के आदेश के जरिए, आदेश से करौली की सीमाएं सील की जा चुकी हैं, तो उनको जब करौली की सीमा पर नाके पर रोका गया जी, तो गाड़ी को वहां मौजूद डिप्टी स्वराजमल मीना जी ने उनके परमिशन को नजरअंदाज करते हुए वापस भेज दिया। तो मैंने एज ए रिपोर्टर एसडीएम बयाना को कॉल किया, मैंने उनसे कहा कि सर, ऐसी विकराल स्थिति में आप लोगों को परमिशन दे करके अपने जिले से बाहर दूसरे जिलों में भेज रहे हैं। अगर हो सकता है कि कोरोना संक्रमण कोई व्यक्ति ऐसा सस्पेक्टेड हो जो दूसरे जिले में जाकर के कोरोना संक्रमण फैलाएगा जी, तो उन्होंने, एसडीएम साहब ने मेरी बात का पल्ला झाड़ते हुए अपनी फैमिली का हवाला दिया और कहा कि ये मेरी फैमिली है, ज्यादा नियम झाड़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं थी। बिल्कुल श्याम, और दूसरी सबसे बड़ी बात है, सभी के साथ, भले ही आपके परिवार हो, हमारा परिवार हो, किसी का भी परिवार हो, ये लॉकडाउन एज आपात स्थिति में लगाया गया है, जो जहां पर है वो इस समय वहीं पर मौजूद है। कई लोगों के ऐसे परिवार हैं जो अपने अपनों के बीच में नहीं है, और कई ऐसे बुजुर्ग हैं, कई लोगों के बुजुर्ग माता पिता हैं जो दूसरे शहर में, उनके बच्चे किसी और शहर में, कई ऐसे माता पिता हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे किसी और शहर में, लेकिन वो इस महामारी की भयावहता को वो समझते हैं। अगर ऐसा ही अगर सब करने लग जाएं तो फिर हम भी समझ सकते हैं ये महामारी क्या विकराल रूप ले सकती है। तो क्या इस चीज की बिल्कुल भी जो जिम्मेदारी बनती है वो उनको नहीं है? और खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब खुद कह रहे हैं, दिन रात सभी लोग, भले ही वो सरकारी तंत्र के हो या आम आदमी हो, पुलिस प्रशासन हो, चिकित्सा कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, सब लोग एकजुट होकर अपनी राज्य सरकार के साथ, अपने मुख्यमंत्री के साथ, अपने प्रधानमंत्री के साथ लगे हुए हैं इस बीमारी को हराने में। और ये एसडीएम साहब अपनी जाति का हवाला दे रहे हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने परिवार को इधर उधर पहुंचाने में। क्या कहेंगे श्याम? बिल्कुल उमंग जी, मैं आपको बता दूं कि एसडीएम साहब ने जो परमिशन जारी की है वो अपने जो उनका जो पद है उसका दुरुपयोग करने का मतलब पूरा मामला ये हमारे सामने आ चुका है कि एसडीएम महोदय अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और सीधी सी बात है कि एक एसडीएम के मुंह से एक जाति विशेष नाम के तौर पर धमकी देना, ये कहां की मतलब बात हो गई? एक पत्रकार अपना काम कर रहा है और उसको एक जाति विशेष के नाम लेकर के, मैं जाति से मीणा हूं, मुझे कुछ धमकी दे रहे हैं, मेरे पे FIR दर्ज कराने का की कह रहे हैं। तो ऐसा मेरे को लगता है कि, मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा एसडीएम ऐसा कारनामा कर सके कि अपना जाति विशेष, हालांकि जाति पात भेदभाव का ये जो कारनामा है पूरा, सरकारें बंद करना चाहती हैं, लोगों से कहती हैं कि जाति पात भेदभाव ना करें, फिर भी एक सरकारी जो ऊंचे पद पर बैठे हैं एसडीएम साहब, ये अपनी जाति का हवाला देते हुए मुझे धमकी दे रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा इनकी तरफ से। बिल्कुल श्याम, और ये ठीक है भी नहीं, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम सरकारी तंत्र, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी, सब लोग इस बीमारी को हराने में लगे हुए हैं, और ये एसडीएम साहब अपने ही मुख्यमंत्री की जो सावधानियां जो वो बरतने को कह रहे हैं उसको पलीता लगाने में लगे। खैर श्याम, अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकारी तंत्र तक ये बात पहुंच चुकी है, अब इन एसडीएम साहब संतोष मीणा जी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई सरकारी तंत्र करता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।